हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 8, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो रिप्रोडक्शन है, जो प्रजनन है, हम किस में पढ़ रहे थे, हम ह्यूमन बींग्स में पढ़ रहे थे कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन को हमने क्या जाना था, हमने जाना था रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई इंडिविजुअल अपने ही समान नई संतति का निर्माण करता है या फिर एक नए ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, जन्म देता है। ये हमने प्लांट्स में भी पढ़ा था और अब हम किस में पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं मनुष्यों में या फिर ह्यूमन बींग्स में। इसमें हमने क्या जाना था कि जो रिप्रोडक्टिव जो एज होती है, जो रिप्रोडक्टिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये कब आते हैं, किशोर अवस्था में डेवलप होते हैं। इसी बेसिस पे आप क्या करते हो, यहाँ पे दो प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल होते हैं जो बाहरी होते हैं, एक होता है इंटरनल। तो जो बाहरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करते हो कि यहाँ पे कौन गर्ल है कौन बॉय है। तो इस बेसिस पे हमने क्या देखे थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने सबसे पहले किसकी बात की थी, सबसे पहले हमने बात की थी टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस के बारे में हमने क्या जाना कि जो टेस्टिस होती है वो कैसी होती है, ओवल होती है शेप में और इनका जो नंबर होता है वो 2 होता है। फंक्शन क्या बताया था, स्पर्म प्रोडक्शन को बताया था। सेकंड, कौन से हार्मोन को रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करती है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक आपको जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद नहीं होगा तब तक आप आगे पढ़ नहीं सकते कि किस प्रकार से क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। लेकिन हमने बात की थी स्क्रॉटम की। स्क्रॉटम क्या है, एक मस्कुलर बैग है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या आते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होती है और ये क्या करता है कि कम टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है टेस्टिस को, जिससे कि वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर सके। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एपिडिडाइमिस में। क्या हुआ कि जब जो टेस्टिस ने स्पर्म का प्रोडक्शन किया तो उसने कहाँ पे स्टोर किया, एपिडिडाइमिस में उसने स्पर्म को स्टोर किया। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वास डिफरेंस पढ़ा था कि इसके बाद क्या हुआ, जो स्पर्म थे वो एपिडिडाइमिस में कहाँ गए, वास डिफरेंस में गए। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आया था वो आया था सेमिनल वेसिकल्स, यानी कि दो प्रकार की ग्लैंड हमने इसमें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने इसमें सेमिनल वेसिकल्स पढ़ी थी और प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ी थी। इन्होंने क्या क्या था, इन्होंने स्पर्म में एक लिक्विड को ऐड किया था और उसे लिक्विड ऐड करने के बाद हमें क्या मिला, सीमेन मिला। सीमेन में क्या होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है प्लस स्पर्म यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट जो पार्ट आपने देखा था, पेनिस देखा था, ये क्या होता है, ये एक्सचेंज के लिए होता है। जो भी आपका जो मेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट मेल से फीमेल गैमेट में जो ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा होता है, पेनिस के थ्रू होता है। तो ये हमने क्या पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद हमने क्या कंटिन्यू किया था, हमने देखा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, क्या क्या उनका फंक्शन होता है। तो सबसे पहला जो पार्ट हमारे पास आया था वो आया था अ पेयर ऑफ ओवरीज, यानी कि ओवरी का एक पेयर आया था, यानी यहाँ पे जो ओवरी का जो नंबर होगा वो क्या होगा, 2 होगा, 2 यहाँ पे ओवरी है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, इसका क्या फंक्शन होता है, ओवम को रिलीज करता है। ये क्या करेगा, ओवम को रिलीज करेगा, यानी कि एग सेल को रिलीज करेगा, यानी कि ये क्या करेगा, इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि ये फीमेल गैमेट को रिलीज करेगा, कौन, यहाँ पे जो ओवरीज है। सेकंड फंक्शन आपने क्या देखा, ये फीमेल हार्मोन को रिलीज करता है, उसका क्या नाम है, एस्ट्रोजन है। यानी कि जब मेल हार्मोन की बात आएगी तो आपको क्या याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन याद रखना है। जब फीमेल हार्मोन की बात आएगी तो आपको क्या याद रखना है, एस्ट्रोजन आपको याद रखना है। तो क्या था, पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट हमने क्या देखा, फैलोपियन ट्यूब देखा। फैलोपियन ट्यूब यानी जिसे हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। क्या हो रहा है फैलोपियन ट्यूब में, मैंने आपको बताया था फैलोपियन ट्यूब वो जगह होती है, वो ये क्या है, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक ट्यूब जैसी संरचना होगी जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और फर्टिलाइजेशन आपको क्या बताया गया है, सेम जैसे कि हमने प्लांट्स में पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन वही प्रोसेस है कि मेल और फीमेल गैमेट का जब भी फ्यूजन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, उस प्रोसेस को हमने कहा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा। तो आप और क्या देखते हैं, सेकेंड ये क्या कहते हैं, इट कनेक्ट ओवरीज विद यूट्रस। ये ओवरीज को क्या करता है, यूट्रस से कनेक्ट करता है। कौन सी ओवरीज, ये वाली जो ओवरीज होती है जो ओवम को रिलीज कर रही है, ये ओवरीज को यूट्रस से क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब यूट्रस क्या होता है, अब हम आगे देखेंगे।
सबसे पहले हम इमेज को देखेंगे। इमेज में हमने ओवरी के बारे में पढ़ा है, ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ओवरी ये है और एक ओवरी ये है, ये क्या है ओवरी है, एक पेयर है ओवरी का। लेकिन हमने फैलोपियन ट्यूब पढ़ा तो ये जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है एक इस साइड दिखाई दे रही है और इस एक इस साइड दिखाई दे रही है, ये क्या है फैलोपियन ट्यूब है। और यहीं पे क्या हो रहा है, यहीं पे होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो आपने क्या देखा, दो स्ट्रक्चर देखे। थर्ड जो हमारे पास यूट्रस आए, तो यूट्रस क्या करता है, यूट्रस इज द साइट ऑफ डेवलपमेंट फॉर द एम्ब्रियो। यूट्रस क्या है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो बीच का जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये क्या है यूट्रस। और यहाँ पे क्या होता है, जो एम्ब्रियो है यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। आपके पास कितने स्ट्रक्चर आ गए हैं, तीन स्ट्रक्चर आ गए हैं। और लास्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है वो आता है वेजाइना। तो वेजाइना क्या है, वेजाइना वो पार्ट है जहाँ पे क्या होगा, जो मेल गैमेट होगा वो मेल से फीमेल में इंसर्ट होगा। तो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा इट इज द पार्ट विच कनेक्ट द सर्विक्स टू द एक्सटर्नल फीमेल बॉडी पार्ट। अब ये क्या कर रहा है, एक बीच में एक पार्ट आ रहा है सर्विक्स आ रहा है, एक नैरो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, सर्विक्स दिखाई दे रही है। ये सर्विक्स को कहाँ से जोड़ता है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट से जोड़ता है, कौन वेजाइना। नेक्स्ट आपने देखा इट इज द रूट फॉर द पेनिस ड्यूरिंग द कोटिंग एज वेल एज द फीटस ड्यूरिंग द डिलीवरी। क्या बता रहे, जो वेजाइना है ये स्पर्म की एंट्री के लिए भी रास्ता है और जो फीटस जब डिलीवरी होती है फीटस की एग्जिट के लिए भी यहाँ पे क्या है रास्ता है। ये आपने क्या पढ़ा, ये आपने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हमने जाना रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में आपने जाना। इसके बाद क्या प्रोसेस होगी, आपने देखा आपने मेल गैमेट के बारे में भी जान लिया यानी स्पर्म के बारे में भी जान लिया, अपने फीमेल गैमेट के बारे में भी जाना यानी एक सेल के बारे में भी जान लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगी वो क्या आएगी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आएगी। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, तो फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखना है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन में अगर हम जनरली देखें तो फर्टिलाइजेशन क्या आता है, हमने जब प्लांट्स के बारे में पढ़ा था हमने कहा था एक मेल सेल आई है जिसे हमने मेल गैमेट कहा, फीमेल से फीमेल गैमेट आया है जिसे हमने क्या कहा, फीमेल गैमेट कहा, दोनों फ्यूज हुए सनलाइट हुए और क्या हुआ, एक जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। जायगोट कैसा था, डिप्लॉयड था, डिप्लॉयड यानी कि वहां पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वो 2n थे यानी फुल वहां पे क्या थे, क्रोमोसोम प्रेजेंट थे। वहीं अगर हम गैमेट की बात करते तो वहां पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे यानी क्रोमोसोम का जो नंबर होता है उसका हाफ वहां पे था। जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एग है, एग को ही हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं और ये क्या है, स्पर्म है। अब जो एग में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 23 है और जो स्पर्म में जो क्रोमोसोम है वो भी 23 है। क्या हुआ, दोनों फ्यूज हो गए, दोनों सनलाइट हो गए, एक सिंगल सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ जिसे हमने जायगोट कहा। दोनों जब क्रोमोसोम मिले 23 जब क्रोमोसोम मिले तो 46 क्रोमोसोम यहाँ पे हो गए जिसे हमने 2n स्टेज कहा या फिर क्या कहा, डिप्लॉयड स्टेज कहा। ये दोनों कैसे स्टेज में थी, ये दोनों हैप्लॉयड थे यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट थे, यहाँ पे फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है और इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन कहा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, एक पूरा जो सेल है, पूरा एक सेल है एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है यहाँ पे। तो ये प्रोसेस कैसे हो रही है, अब हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे हो रही है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आपने देखना है ओवरी, ओवरी कहाँ पे है, ये ओवरी है और आपने क्या देखना है, ये ओवरी है। ओवरी ने क्या रिलीज किया, ओवरी ने करना है रिलीज फीमेल गैमेट यानी क्या रिलीज करेगा, फीमेल गैमेट को करेगा एग को कर दिया। अब जब इसने एग को रिलीज किया यहाँ पे, एग यहाँ से यहाँ पे आ गया है, एग है यहाँ से आ गया है, ये बहुत सारे एग नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही एग रिलीज हो रहा है। एग की मैं आपको यहाँ पे क्या बता रही हूँ कि यहाँ पे जो रूट है यहाँ से एग कहाँ पे आ गया, फैलोपियन ट्यूब पे आ गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ओवरी तो दो हैं लेकिन क्या होता है एक मंथ में सिर्फ एक ही यहाँ पे ओवम बनता है, एक ही यहाँ पे एग बनता है यानी इस मंथ यहाँ से एग बना तो दूसरे मंथ यहाँ से एग बनेगा, ऐसे नहीं होते कि यहाँ पे दोनों ही जगह से क्या हो रही है एग का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो एग का जो फॉर्मेशन होता है कब होता है, हमने बात की थी जब हमने प्यूबर्टी की बात की थी, किशोर अवस्था की बात की थी, तो हमने क्या कहा था यहाँ पे ओवरीज का डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे ओवरी क्या हो रही है डेवलप होनी शुरू हो जा रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है एग का प्रोडक्शन शुरू हो जा रहा है। तो जब फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में क्या होता है कि जो हाफ जो डेवलपमेंट होता है वो जब वूम में रहती है फीमेल यानी कि जो फीटस होता है फीटस में ही हाफ डेवलपमेंट शुरू हो जाता है।
बट फुल जो डेवलपमेंट होता है फिर वो जो डेवलपमेंट है वो वूम में ही रुक जाता है। और जब जो फीटर्स होती है यानी जो फीमेल फीटर्स होगी वो क्या होगी, जब 12 से 13 साल में आएगी फिर क्या होगा, ये जो ओवरीज है ओवरीज का फिर से डेवलपमेंट शुरू यहाँ पे हो जाता है। ओवरीज डेवलप होती हैं, ओवरीज के अंदर क्या होती हैं, आप जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आप और डीप में पढ़ेंगे कि ओवरीज के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं, किस प्रकार से फॉलिकल्स का डेवलप होता है, किस प्रकार से ओवम और एग का डेवलपमेंट होता है। अभी आपको क्या याद रखना है, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जैसे ही प्यूबर्टी एज आती है, जैसे ही क्या हुई किशोर अवस्था आ गई, क्या हुई ओवरीज ने डेवलप होना शुरू हुआ, ओवरीज ने जब डेवलप करना शुरू किया तो इसने क्या किया, एग का प्रोडक्शन कर दिया। एग क्या है, यहाँ पे फीमेल गैमेट है। तो क्या हो गया, फिर आपको सेकंड बात क्या याद रखनी कि जो हमारे पास कितनी ओवरीज होती है फीमेल में, दो ओवरीज यहाँ पे पाई जा रही हैं, और यहाँ पे जो एग का जो प्रोडक्शन होता है वो एक ओवरी से ही होगा, यानी कि एक मंथ यहाँ से होगा, सेकेंड मंथ यहाँ से होगा। हमने क्या माना, एक मंथ में क्या हुआ, यहाँ से एग का फॉर्मेशन हुआ, एक ही एग है यहाँ से जाते जाते यहाँ पे आ गया, ये तो क्या था, ये था यहाँ पे एग आ गया। अब क्या हुआ, जब क्या हुआ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, जब क्या हुआ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो क्या हो गया, जो मेल गैमेट था वो मेल पार्ट से फीमेल गैमेट में इंसर्ट हो गया। तो मैंने आपको रूट क्या बताया था, यहाँ पे वेजाइनल रूट होगा, यानी कि जो मेल गैमेट होगा यानी जो स्पर्म होगा वो कहाँ पे एंटर होगा, यहाँ पे एंटर होगा, यहाँ पे क्या होंगे, एंटर होंगे, और यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे यहाँ पे स्पर्म यहाँ पे एंटर होंगे, यानी कि जो एक्स है तो क्या है, एक्स तो क्या है, एक ही है, बट स्पर्म का जो नंबर होता है बहुत ज्यादा यहाँ पे नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या होंगे, जो एग होंगे वो यहाँ से सर्विक्स के रास्ते यहाँ से एंटर करेंगे, ये क्या हो रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, और बहुत सारे यहाँ पे हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट होगा। और जैसे जैसे ये क्या करेंगे, जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे इनका नंबर कम हो जाएगा, जो स्पर्म होंगे उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो मीडियम है वो एसिडिक होता है। यहाँ पे क्या आता है, एक एग के फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा, यहाँ पे यानी एक फीमेल गैमेट के लिए एक ही मेल गैमेट चाहिए, यहाँ पे जो हमें रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ एक ही स्पर्म के यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। पर यहाँ पे क्या, बहुत सारे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारे यहाँ पे स्पर्म देखने को मिलेंगे, प्लस इनकी जो मोशन होती है वो ऐसे जिगजैग मोशन होती है, ऐसे जिगजैग मोशन आपको देखने को मिलेगी। कैसे जिगजैग मोशन होती है, ऐसे ऐसे मोशन हम देखते हैं, ऐसे हम जिगजैग मोशन कहते हैं। जैसे जैसे क्या होंगे, स्पर्म की एंट्री होगी, जैसे जैसे स्पर्म ऊपर की ओर जाएंगे क्या होगा, यहाँ पे जो स्पर्म होंगे उनकी डेथ होती रहेगी। और किस प्रकार, यहाँ पे क्या होता है, जो वीक होंगे या फिर जिनमें डिजायरेबल कैरेक्टर नहीं होंगे वो जो स्पर्म होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। क्या हुआ, यहाँ पे जो स्पर्म थे ये आगे बढ़ते चले गए, यहाँ पे सिर्फ एक ही नहीं बहुत सारे स्पर्म यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अब जब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, जो एक स्पर्म था उसने किसे यहाँ पे टच कर दिया, उसने एग सेल को यहाँ पे टच कर दिया। जैसे ही एग सेल में जो फर्स्ट जो स्पर्म होता है वो वहां से अटैच होता है तो जो अदर जो यहाँ पे स्पर्म होती है उनकी एंट्री वहां पे स्टॉप हो जाती है। क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही पहला जो स्पर्म होगा वो एग सेल से अटैच होगा वैसे ही और जो अदर जो स्पर्म होते हैं उनकी एंट्री यहाँ पे क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। आधे से ज्यादा जो स्पर्म होते हैं वो यहाँ आते आते खत्म हो जाते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ स्पर्म क्या होता है, यहाँ पे बहुत कम अमाउंट ऑफ स्पर्म यहाँ पे पहुंचेगा यानी एग सेल के पास पहुंचेगा, उनमें से जो सबसे पहला जो स्पर्म होगा जो एग सेल के साथ अटैच होगा वो क्या होगा, फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे जो स्पर्म का यहाँ पे हेड होता है, हेड के थ्रू क्या होता है वहां पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या हो गया एग सेल के अंदर क्या हो गया, एंटर हो गया, यानी कि पूरा का पूरा जो स्पर्म है पूरा का पूरा स्पर्म वहां पे एंटर नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ हेड एंटर हुआ, हेड ने क्या किया न्यूक्लियस को वहां पे क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, यानी कि जो मेल गैमेट था उसने यहाँ पे क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, और जो टेल वाला जो पोर्शन था वो बाहर ही रह गया। प्लस हमने यहाँ पे क्या देखा, जो अदर जो स्पर्म थे उनकी जो एंट्री थी वो क्या हो गई एग्जिबिट, उनकी जो एंट्री थी वो इनहिबिट हो गई, वहां पे रुक गई है। अब यहाँ पे जो फीमेल जो गैमेट है यानी जो एक्सेल है, एक्सेल के अंदर क्या रही जो स्पर्म है, स्पर्म ने क्या किया अपना न्यूक्लियस क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, दोनों यहाँ पे फ्यूज हुए, इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन कहा। क्या हो रहा था फर्टिलाइजेशन में, यही हो रहा था कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं। आपको क्या बताया जा रहा है कि क्या हुआ, यहाँ से जो ओवरी ने एग रिलीज किया कहाँ पे गया, फैलोपियन ट्यूब में। अब आप क्या देख रहे हो, इसकी साइड देख रहे हो, फर्टिलाइजेशन का जो स्पेस है वो देख रहे हो, कहाँ पे हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है।
ओवरी ने क्या किया, एग को रिलीज कर दिया, कहाँ पे इसे भेजा, फैलोपियन ट्यूब में भेजा। क्या हुआ, वेजाइना से जो स्पर्म है वो इंसर्ट हुए, बहुत सारे यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हुए। धीरे धीरे क्या हुए, जो वीक थे जिनमें डिजायरेबल कैरेक्टर नहीं थे वो जो स्पर्म थे उनकी डेथ हो गई। धीरे धीरे स्पर्म ऊपर गए, जो सबसे पहला जो स्पर्म था जो एक्स सेल के साथ जिसने अटैच हुआ, उसके बाद उसने जो एक्स सेल ने क्या कर दी, जो अदर जो स्पर्म थे उनकी एंट्री को रोक दिया। यहाँ पे क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ, हमें क्या देखने को मिला, फर्टिलाइजेशन देखने को मिला। अब क्या हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट ने फ्यूज करके यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। तो अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो प्रोसेस हो रही है फर्टिलाइजेशन की, उसमें क्या हो रहा है। तो आप पढ़ेंगे द टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। क्या बताया जा रहा है आपको, टेस्टिस क्या होती है मेल में और जो ओवरीज होती है फीमेल में, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मेल एंड एग्स इन फीमेल। आपको क्या बताया जा रहा है कि जो मेल में जो टेस्टिस होती है, मेल में जो टेस्टिस होती है वो किसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ओवरी किसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एग्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द स्पर्म फ्यूज विद द एग ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। स्पर्म ने क्या किया, एग्स के साथ फ्यूज किया या संलयित हो गया, उसके बाद आपने क्या देखा, विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए तो क्या हुआ, एक जायगोट का फॉर्मेशन, द वॉल ऑफ यूट्रस। अब क्या हो गया, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। जायगोट के फॉर्मेशन तक आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जायगोट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, यहाँ पे इम्प्लांटेशन के प्रोसेस होती है। यहाँ पे क्या हुआ, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो जायगोट बना है ये क्या होता है, यहाँ फैलोपियन ट्यूब से आता है और यहाँ पे यूट्रस की वॉल में क्या आता है, यूट्रस की वॉल में आ जाता है। तो ये जो ट्रांसफर है जायगोट का फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की वॉल में जो ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। जैसे कि अभी आपने क्या देखा था, अभी आपने यहाँ पे क्या देखा था कि पहले क्या हुआ, यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन हुआ एंड गेट इम्प्लांटेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस, यानी कि जायगोट जो था, जायगोट फैलोपियन ट्यूब से कहाँ पे आ गया, अब यूट्रस में आ गया है। इस प्रोसेस को हमने इम्प्लांटेशन कहा। आपको वर्ड याद रखना है, आपको वर्ड की मीनिंग याद रखनी है, इम्प्लांटेशन मीन्स आपको क्या बताया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे इट फर्दर डिवाइड एंड फॉर्म एन एम्ब्रियो। अब क्या आता है कि जब जायगोट का फॉर्मेशन होती है तो उसमें डिवीजन होते रहते हैं, सेल डिवीजन होती रहती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल बनती जा रही हैं। एट लास्ट क्या हो रहा है, एम्ब्रियो का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस होती है, यानी कि कैसे सेल डिवीजन हो रहा है, कैसे अलग अलग ऑर्गन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ये आप कब पढ़ेंगे, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे। अभी आपको क्या याद रखना है, मेल और फीमेल गैमेट ने फ्यूज होकर जायगोट का फॉर्मेशन किया, जायगोट कहाँ पे इम्प्लांट हो गया, यूट्रस में इम्प्लांट हो गया। यूट्रस में इम्प्लांट होने के बाद इसमें सेल डिवीजन होती जा रही है, इनका जो सेल डिवीजन है जायगोट में जो सेल डिवीजन है वो फैलोपियन ट्यूब में ही स्टार्ट हो जाता है। बट क्या हुआ, जब वो इम्प्लांट हुआ यूट्रस में तो फिर उसमें और ज्यादा डिवीजन हुए और एक पूरे ही एम्ब्रियो का यहाँ पे, पूरे एम्ब्रियो पूरे भ्रूण का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे द एम्ब्रियो स्टार्ट डेवलपिंग वीक बाय वीक सीकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। अब क्या हो रहा है, जो वहां पे एम्ब्रियो है वो वीक बाय वीक, यानी कि वो मतलब दिनों दिन या हफ्ते हफ्ते बढ़ते जा रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट होती जा रही है। और जो एम्ब्रियो है वो कहाँ से अपना पोषण ले रहा है, कहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, मदर से ले रहा है। कैसे ले रहा है, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आता है प्लेसेंटा, यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या यूट्रस में आ गया। अब ये जो एम्ब्रियो है, ये जो मदर है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमें देख, यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये एम्ब्रियो है, ये मदर है, यानी कि ये जो यहाँ पे क्या है, मदर और एम्ब्रियो के बीच में एक ये वाला स्ट्रक्चर आ जाता है। और ये क्या है, यहाँ पे एम्ब्रियो है, ये वाला जो आपको ग्रीन जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये मदर और बेबी के बीच में क्या आ जाता है, एक स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसे हमने क्या कहा, जिसे हमने कहा प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा, जितना भी न्यूट्रिशन होगा वो न्यूट्रिशन मदर से बेबी में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। साथ ही क्या होगा, जो
जो बेबी न्यूट्रिशन ले रहा है तो वो क्या करेगा, उसका एक्सक्रीशन भी होगा कुछ, क्या उत्सर्जन भी करेगा वो जो अवशिष्ट पदार्थ होंगे, और वो जो अवशिष्ट पदार्थ होंगे वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू बेबी से मदर की बॉडी में आते हैं और मदर उसे क्या करती है, बॉडी से बाहर रिलीज कर देती है। तो क्या हो रहा है, प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन भी मिल रहा है प्लस एक्सक्रीशन भी हो रहा है। आपने दो वर्ड यहाँ पे याद रखने हैं, एक तो आपने इम्प्लांटेशन भी याद रखने, इम्प्लांटेशन में क्या आपको बताया जा रहा है, लेकिन आपको प्लेसेंटा याद रखने की प्लेसेंटा का क्या कार्य है यहाँ पे। नेक्स्ट आपने देखा अ न्यू इंडिविजुअल फाइनली फॉर्म आफ्टर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ। क्या होता है, 9 मंथ के बाद क्या होता है, एक जो पूरा बेबी होता है उसका पूरा डेवलपमेंट हो गया है और उसकी अब डिलीवरी हो जा रही है कहाँ से, वेजाइना से। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ पे ओवरी ने क्या किया, एक्सेल को प्रोड्यूस किया, एक्सेल फैलोपियन ट्यूब में गई, यहाँ से क्या हुआ स्पर्म प्रोड्यूस हुए, प्रोड्यूस ने यहाँ से वेजाइना से सर्विक्स में गए, सर्विक्स से फिर ये फैलोपियन ट्यूब में गए, मेल और फीमेल गैमेट का क्या हुआ, यहाँ पे फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपने देखी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जायगोट क्या है, डिप्लॉइड सेल है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं यहाँ पे, डबल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, जायगोट में भी क्या होते हैं, डिवीजन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे धीरे धीरे जो जायगोट था, जो जिसमें की डिवीजन शुरू हो गया था, वो कहाँ इम्प्लांट हो गया, यूट्रस में इम्प्लांट हो गया। इम्प्लांट को क्या अर्थ है यहाँ पे, कि वो ट्रांसफर हो गया है फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे इम्प्लांट हो गया, क्योंकि यूट्रस में ही क्या आता है, यूट्रस में ही आप फीटस का डेवलपमेंट होगा। जब आपने यूट्रस के बारे में पढ़ा तो हमने क्या जाना कि यूट्रस में ही क्या आता है, जो एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट होता है, यहीं पे जो पूरा जो एम्ब्रियो होगा, पूरा जो बेबी होगा उसका डेवलपमेंट यहीं पे होगा, इसीलिए इम्प्लांटेशन हो रही है। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है कि सेल डिवीजन होते जाते हैं और एक सेल से क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक, यानी कि एक बेबी का यहाँ पे पूरा फॉर्मेशन हो गया है। प्लस आपने क्या जाना, जो बेबी होता है वो मदर से जो अपना न्यूट्रिशन है कहाँ से लेता है, यहाँ पे प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर आता है, प्लेसेंटा से वो अपना न्यूट्रिशन भी लेता है और अपना एक्सक्रीटरा जो भी होता है वो मदर की बॉडी में वो क्या करता है, प्रोवाइड करा देता है और मदर उस एक्सक्रीशन को, उस अवशिष्ट पदार्थ को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है। ये क्या था, आपने देखा फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, कैसे इम्प्लांटेशन हो रहा है, कैसे एक बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है। पूरे जब 9 मंथ का जो पीरियड बीत जाता है, पूरे बेबी का यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये जो सर्विक्स है, यहाँ पे आपने देखा जो सर्विक्स की बहुत छोटी सी यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या होती है, मसल्स होती है। अब ये मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो गई है। आप ये मसल्स के बारे में आपने जाना, तो आपने क्या जाने कि जो भी गति होती है वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होती है। कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना, रिलैक्सेशन यानी कि रिलैक्स हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गई है कि जब मसल्स यहाँ पे रिलैक्स हो गई है तो ये क्या करती है, यहाँ पे जो ये इतना स्पेस है इसे क्या कर देती है, ब्रॉड कर देती है। यहाँ से क्या होगा, जो न्यू बॉर्न बेबी होगा यहाँ से आएगा सर्विक्स के रास्ते वेजाइने से, ये क्या होगा, बाहर निकल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिलीवरी कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पूरी प्रोसेस को आपने अपनी कॉपी में क्या करना है, नोट करना है, साथ ही आपने इमेज भी वहाँ पे नोट करनी है कि कहाँ पे किस पोर्शन में कौन सी प्रोसेस पाई जा रही है। चलिए ये आपने पढ़ा कि जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार होती है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो हो गया है। अब क्या हो यदि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ना हो, अब हमारे पास आता है, आप अपनी बुक में जब देखेंगे तो आप देखेंगे आपके पास हेडिंग है कि क्या होगा यदि वहाँ पे एग का जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो रहा है। आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम अपना जो नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपका हो जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि क्या होगा अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि हमने देखा कि वहाँ पे क्या रहा है, एक्सेल भी प्रोड्यूस हो रही है और स्पर्म भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, एम्ब्रियो का यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। बट अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमें एक प्रोसेस देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन।
यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, मेंस्ट्रुएशन देखने को मिल रही है। अब मेंस्ट्रुएशन क्या होता है इसे पढ़ने से पहले हम जाएंगे फिर से डायग्राम पे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या हुआ यहाँ पे, जो यहाँ पे ओवरी थी उसने यहाँ पे क्या कर दिया, एग रिलीज कर दिया। अब यहाँ पे एग रिलीज हो गया तो क्या हुआ, यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, यानी कि जो स्पर्म थे स्पर्म की एंट्री भी नहीं हुई। अब जब स्पर्म की एंट्री नहीं हुई तो क्या हुआ, जो एग एग की जो लाइफ होती है वो 24 आवर की होती है, यानी कि 24 घंटे की लाइफ होती है एग की। 24 घंटे के बाद क्या होता है, जो एग होता है वो रिलीज हो जाता है। अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो एग होगा वो रिलीज हो जाएगा बॉडी से बाहर। तो क्या हुआ, जब यहाँ पे 24 घंटे बीत गए, 24 घंटे तक भी स्पर्म की एंट्री नहीं हुई, तो जो यहाँ पे जो एग था वो कहाँ आ गया, वो यूट्रस में आ गया। तो इससे पहले हम क्या देखेंगे, हम यूट्रस के बारे में देखेंगे। यूट्रस जो बनी होती है वो 3 लेयर से बना हुआ होता है। 3 लेयर कौन कौन सी होती है, आप इसे याद करेंगे पी एम ई से, एम ई से हम इसे याद रखेंगे, पी एम और ई। ई से क्या आता है, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। एम से होता है मायोमेट्रियम और ई से होता है एंडोमेट्रियम। आपने क्या क्या पी एम ई से याद रखा, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, यानी सबसे बाहर की जो होगी वो क्या होगी, पी होगी यानी पेरीमेट्रियम होगी। अंदर की अगर हम देखें तो अंदर की होगी मायोमेट्रियम, और ये जो आपको दिख रही है सबसे अंदर वाली इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे एग रिलीज होने वाला होता है तो जो यूट्रस होता है, यूट्रस क्या होता है, बेबी के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू कर देता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेबी के डेवलपमेंट के लिए प्रिपरेशन शुरू हो गई है। यहाँ पे जो ये वॉल होती है, जो एंडोमेट्रियम होती है, ये जो वॉल है, ये जो लेयर है, ये थिक होने लगती है। क्यों, क्योंकि इसे क्या करना है, इसे यहाँ से जो जायगोट आएगा उसे कैच करना है, टाइटली कैच करना है, प्लस उसका नरिशमेंट भी करना है, यानी कि उसे पोषण भी देना है। यहाँ पे जो पोषण देगा वो कौन देगा, जो यूट्रस की जो वॉल होगी एंडोमेट्रियम, यहाँ पे उसे पोषण भी देना है। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस की 3 वॉल होती है। सबसे बाहर वाली वॉल को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, उसके अंदर वाली लेयर ये जो आपको दिख रही है उसके अंदर वाली को हम कहते हैं मायोमेट्रियम। सबसे अंदर वाली को जो आपको रेड कलर में दिख रही है उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम क्या होता है, जब यहाँ पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, यानी जब जायगोट आता है, जायगोट को कौन कैच करता है, एंडोमेट्रियम क्या होता है, एंडोमेट्रियम उसे पकड़ता है, कैच करता है और उसे अंदर की ओर क्या कर देता है, अंदर की ओर यहाँ पे फिक्स कर देता है। यहाँ पे अगर इस साइड से हो रहा है तो यहाँ पे होगा, इस साइड से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे होगा। इसने क्या किया, एंडोमेट्रियम ने वो जो वहां पे जायगोट आया था उसे यहाँ पे कैच किया, यहाँ पे फिक्स किया, उसे टाइटली पकड़ के रखता है, प्लस क्या करता है, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, यानी यहाँ पे जो जायगोट का जो फॉर्मेशन है वो हुआ ही नहीं। 24 घंटे बाद जो एग सेल आई वो कहाँ गई, वो यहाँ नीचे आ गई, कहाँ, यूट्रस में आ गई है। अब जब यहाँ पे यूट्रस में आई तो यहाँ पे क्या हुआ, एंडोमेट्रियम ने इसे कैच किया तो यहाँ पे क्या था, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं था। जब यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं तो जो एग था, एग सेल क्या वो नीचे आ गया, प्लस एंडोमेट्रियम जो लेयर थी, ये जो लेयर थी, ये जो वॉल थी, ये भी टूट के नीचे आ गई है। कहाँ से, यहाँ नीचे एग सेल के साथ क्या हुआ, एंडोमेट्रियम भी नीचे टूट गई है। कौन सी वॉल टूटेगी, ये वाली जो आपको रेड कलर में दिख रही है, ये जो रेड कलर की जो वॉल होती है ये भी टूट के नीचे आ जाती है। इस वॉल के साथ क्या आता है, एग भी क्या आते हैं, एग सेल भी नीचे आ जाती है और क्या होता है, यहाँ पे ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग शुरू होती है तो कितने दिनों तक होती है, 2 से 6 दिनों तक क्या होती है, यहाँ पे ब्लीडिंग होती रहती है। ब्लीडिंग में क्या क्या निकलता है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम की जो लेयर होगी, एंडोमेट्रियम की जो वॉल होगी, यानी यूट्रस की जो इनर वॉल होगी, सबसे अंदर वाली जो वॉल होगी वो टूट के बाहर निकलने लगती है, प्लस यहाँ पे जो एग होगा, एग भी यहाँ से बाहर निकलने लगता है, एग सेल्स भी उसमें प्रेजेंट होती है। अब आप सोचेंगे कि जब यहाँ पे एंडोमेट्रियम टूट के बाहर निकल जा रही है, और सेकेंड टाइम जब अगले मंथ क्या होगा, अगले मंथ जब यहाँ पे एग का प्रोडक्शन होगा, तो एग के प्रोडक्शन होगा और माना वहाँ पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो अब जायगोट को कौन यहाँ पे फिक्स करेगा,
क्या होता है, जैसे ही एंडोमेट्रियम टूटी 2 से 6 दिन बाद क्या हुआ, 2 से 6 दिन तक तो क्या हुआ, जो एंडोमेट्रियम थी वो निकलती रही, वो टूट टूट के निकलती रही, प्लस एग सेल्स जो एग था एग की सेल्स भी यहाँ से टूट टूट के निकलती रही। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे ब्लीडिंग बंद होती है तो जो एंडोमेट्रियम होती है एंडोमेट्रियम का फिर से यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर से फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो यूट्रस की जो वॉल होती है यूट्रस की वॉल फिर से बननी शुरू हो जाती है। और क्या प्रिपरेशन कर रही है कि नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, नेक्स्ट टाइम अगर जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको फिक्स कराने के लिए एंडोमेट्रियम का फिर से यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी ये जो प्रोसेस हो रही है हर महीने हो रही है, और क्या होता है हर फिर 28 डेज के बाद क्या होता है, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो 28 दिन के बाद फिर से क्या होगा, यहाँ से एग सेल भी टूटेगी, एंडोमेट्रियम भी टूटेगी, 2 से 6 दिन तक क्या होगी ब्लीडिंग होगी, 2 से 6 दिन के बाद फिर से क्या होगा एंडोमेट्रियम का फिर से फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ओवरीज है जो ओवरीज जो होती है एग सेल को प्रोड्यूस करने की फिर से तैयारी शुरू करने लगेगी, फिर से एग प्रोड्यूस होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ठीक है, वरना 28 दिन के बाद फिर से क्या हो जाती है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये जो साइकिल है ये साइकिल हर महीने चलती रहती है, कभी एग यहाँ से प्रोड्यूस होगा एक महीने एग यहाँ से प्रोड्यूस होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, वरना एंडोमेट्रियम के साथ क्या होता है जो एग सेल्स होती हैं वो रिलीज होने लग जाती हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो ड्यूरेशन है कितना बताया, 28 डेज बताया, हर 28 डेज में क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एग सेल्स भी यहाँ से रिलीज होगा एंडोमेट्रियम भी यहाँ से रिलीज होगी। इसी को हमने कहा था मेंस्ट्रुएशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि जो मेंस्ट्रुएशन की जो डेफिनेशन है उसे उसमें आपको क्या बताया गया है। तो मेंस्ट्रुएशन आपको क्या बताया गया है, इट इज द लॉस ऑफ ब्लड म्यूकस अलॉन्ग विद द अनफर्टिलाइज्ड ओवम एंड द रैप्चर्ड सेल्स एंड टिश्यू ऑफ द एंडोमेट्रियम। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, लॉस ऑफ ब्लड होता है, प्लस ब्लड के साथ साथ क्या होता है म्यूकस आता है, प्लस अनफर्टिलाइज्ड ओवम आता है, यानी वो एग सेल वो एग जिसका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है वो भी बाहर निकलेगा, कुछ म्यूकस भी बाहर निकलेगा, और क्या निकलेगा ब्लड भी यहाँ पे बाहर निकलेगा, और कुछ रैप्चर्ड सेल्स होती है टिश्यू होती है, किसकी सेल्स और टिश्यू है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, जो यूट्रस की जो सबसे इनर जो वॉल है उसे हमने क्या कहा था एंडोमेट्रियम कहा था। नेक्स्ट आप देखेंगे थ्रू द वेजाइना ऑफ द फीमेल, कहाँ से बाहर निकल रहा है ये, जो इसकी एग्जिट है ये भी क्या है वेजाइना ही है फीमेल की। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे इट इज अ 28 डेज साइकिल विच अकर्स इन एवरी रिप्रोडक्टिव एक्टिव फीमेल फ्रॉम प्यूबर्टी। क्या बताया जा रहा है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 28 डेज की होती है, 28 दिन की साइकिल है, और हर एक उस फीमेल में है जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, यानी कि क्या है वो जो अब उसका जो वो एग वो जो ग्रो हो चुकी है जो फीमेल है, फीमेल जो अगर हम प्रजनन की बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव की बात कर रहे हैं तो वो क्या है सेक्सुअली मैच्योर हो चुकी है, सेक्सुअली मैच्योर जो फीमेल होती है उसी में क्या होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल पाई जाएगी। कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाती है ये जो साइकिल है। प्यूबर्टी की एज क्या बताइए, 12 से 13 साल बाद जो मेंस्ट्रुएशन की जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद आप देखेंगे द फ्लो ऑफ ब्लड कंटिन्यू फॉर 2 to 8 days, 2 से 8 दिन या 2 से 6 दिन जो होती है ये जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है वो चलती है, यानी कि जो ब्लड का जो फ्लो होगा वो 2 से 8 दिन तक चलेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे इफ ओवम डज नॉट गेट फर्टिलाइज देन द एंडोमेट्रियम स्टार्ट स्लजिंग ऑफ एंड देयर इज अ लॉस ऑफ ब्लड एंड म्यूकस एक्सेट्रा थ्रू द वेजाइना। यही आपको बताया जा रहा है कि अगर जो एग का है फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है एंडोमेट्रियम टूटने लगती है। अब जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप जानेंगे जो एंडोमेट्रियम टूट रही है खुद से नहीं टूट रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बहुत सारे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, यही हार्मोन क्या कर रहे हैं पहले तो एंडोमेट्रियम को बना रहे हैं, यानी क्या होता है जो हार्मोन्स रिलीज होंगे एंडोमेट्रियम को बनाएंगे, वहाँ पे क्या हो रहा है एक बेबी के फॉर्मेशन के लिए जो एंडोमेट्रियम है वो इम्पॉर्टेंट होता है। जब वहाँ पे क्या हुआ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जायगोट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है उसका जो फंक्शन है वो नहीं है, तो फिर से क्या हुआ फिर से यहाँ पे क्या हुए हार्मोन रिलीज हुए तो उन्होंने क्या कर दिया एंडोमेट्रियम को ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया। जब एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रही है ये जो ब्लड की फॉर्म में क्या हो रहा है जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो स्टार्ट हो रही है।
इसी को हमने क्या कहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा। क्या होता है इसका जो टाइम पीरियड होता है, जो साइकिल होती है वो 28 डेज की यहाँ पे साइकिल होती है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, आप देखेंगे द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी इज नोन एज मेनार्क, यानी कि प्यूबर्टी में जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तो उसे हमने क्या कहा, उसे हम कहते हैं मेनार्क। एंड द स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन व्हेन द वुमन इज 45 to 55 ईयर्स एज इज कॉल्ड मोनोपॉज। दो वर्ड आपके पास आए हैं, क्या आया है, एक आया है मेनार्क, जब स्टार्ट हो रहा है, जब क्या होता है स्टार्ट होता है क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसे हम कहते हैं मेनार्क। और जब स्टॉप होता है, कौन सी एज में होता है, 45 से 55 की एज में स्टॉप होता है, तो इसे हम कहते हैं मोनोपॉज। तो आप ये जो डेफिनेशन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो क्लास आज आपने पढ़ा फर्टिलाइजेशन के बारे में और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अगली क्लास में हम इससे आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।